कहते हैं कि अगर हम अपनी चमड़ी के जूते बना करके भी पहना दे तब भी हम उनके उपकार का बदला दे नहीं सकते, क्योंकि वो जो भजन में गाया जाता है हम गा तो लेते हैं कि है भक्ति प्रेम के भंडारी, भक्ति का दान दिया सबको। भक्ति है मां के प्रति आदमी कर्तव्य कर्म करे तो मां का भगत, पिता के प्रति कर्तव्य कर्म करे तो पिता का भगत, देश के प्रति कर्तव्य कर्म करे वो देशभक्त, और गुरु महाराज जी के प्रति जो कर्तव्य कर्म करे वो भगवान का भक्त, क्योंकि भगवान की दो अवस्थाएं हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। वैसे सब चीज की दो अवस्था है, जैसे बीज में जब तक पेड़ छिपा है तब तक वो निर्गुण है, जब वो पेड़ प्रकट हो जाता है तो वो सगुण हो जाता है। काठ में जब तक आग छिपी है तब तक वो निर्गुण है, और वो काठ की आग प्रकट हो गई तो सगुण हो गया। ऐसे ही शब्द के रूप में, प्राणाधार के रूप में, प्राणेश्वर के रूप में, प्रणव के रूप में, प्राणपति के रूप में, जब तक वो अंदर में छिपा है तब तक वो निर्गुण है, और जब सशरीर अपना ज्ञान कराते हैं तो वो सगुण है। इसलिए गुरु महाराज जी के प्रति अगर हम कर्तव्य कर्म करेंगे तो गुरु महाराज जी ने जो हमको साधन बताया है उस साधन के प्रति भी हमारा मन जुड़ेगा, और गुरु महाराज जी के साधन को करेंगे तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां मिट जाएगी। क्योंकि परेशानी क्या है, कोई कार्य हमारे मन के मुताबिक नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान क्या है, गुरु महाराज जी को मन समर्पित करना। अगर मन हम गुरु महाराज जी को समर्पित कर देते हैं, अर्थात उन्होंने जो साधन बताया है उन साधन के माध्यम से अगर हम गुरु महाराज जी को मन समर्पित कर देते हैं तो मन में इच्छा ही पैदा नहीं होगी, और जब मन में इच्छा ही पैदा नहीं होगी तो दुख और तकलीफ होने का सवाल ही नहीं होता। तो कहते हैं कि एक भगत को गुरु महाराज जी के प्रति कर्तव्य करना चाहिए। एक दिन मैं सोच रहा था, हे भाई अगर हमारे 100 रुपए गिर जाते हैं तो हमें दुख होता है, 1000 रुपए गिर जाएंगे और ज्यादा दुख होगा, 1,00,000 गिर जाए और ज्यादा दुख होगा, और अगर हमारा घर बार पर कोई कब्जा कर ले, बाल बच्चों पर कब्जा कर ले तो कितना दुख होगा। लेकिन थोड़ा सोचो कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि सबके कर्मों का लेखा जोखा, सब अपने कर्म के साक्षी हैं, इस मस्तिष्क में चित्रगुप्त है, हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हमसे छिपा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी, साधु महात्मा लोग अभी से आप लोगों को त्याग का जीवन, त्याग करने की वृत्ति सिखाते हैं। तो कहते हैं कि गुरु महाराज जी के प्रति भक्ति के दाता हैं। प्रेम का मतलब भी त्याग होता है। अगर हम त्याग करें, सबके प्रति त्याग करें, हमारे अंदर स्वार्थ ना हो तो हमारे अंदर कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन हम जबान से कहते हैं, ऐसा त्याग हम सब चीजों को करते नहीं। अगर हम सचमुच में मन से त्याग कर दें तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। क्योंकि संत महात्मा लोगों ने क्या कहा कि जो तू चाहे मुक्ति को, जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सब ही आस, और मुक्त ही जैसा है रहे सब कुछ तेरे पास। हे भाई तू अपनी आशाओं से बंधा है, तू अपनी इच्छाओं से बंधा है, और इस मन को गुरु महाराज जी के समर्पित कर दे, मुक्त है, किसी से बंधा ही नहीं है। मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, तजो काम ना काम,
और मन की इच्छा मेट कर भजो निरंजन नाम। भजो निरंजन नाम देहे अभ्यास मिटावे और पंचन को तर स्वाद आप में आप समावे। जब छूटे झूठी देहे जैसे को तैसो रहिए और चरण दास ये ज्ञान गुरु ने हमसे कही है। देहे मरे तू अमर है पार ब्रह्म है सोए और अज्ञानी भटकत फिरे और समझे सो ज्ञानी होए। इसलिए देखो हम तो सत्संग भी नहीं जानते क्योंकि हम खिस्से को कहानी को कथा को कीर्तन को खिस्सा मानते हैं। इसलिए हम ही श्री गुरु महाराज जी बार बार हमें समझाते हैं कि भक्ति के दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य जागृत करने का जो साधन है वो सत्संग है। जिस सत्संग के करने से हमारे अंदर समझ पैदा हो जाए कि ये दुनिया छूटेगी और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमारे अंदर हमने सत्संग सुना और वैराग्य पैदा हो जाए तो हम अपने मन को भगवान के सुमरण में लगा दें। इसलिए सत्संग कोई खिस्सा कहानी नहीं है। बाबा नानक ने भी यही कहा है सत्संग वा को जानिए जो एको नाम बखानिए। सत्संग वो है जो हमारे मन को इंट्रोवर्ट करे अंतर्मुखी करे हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा करे कि जिस दिन हम दुनिया को छोड़ करके जाएंगे सोचो उस दिन क्या हमारे साथ जाएगा। ये दुनिया की चीजें यहीं पर छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर और तेरी कमर में न ढेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। जितनी चीज जिसने ज्यादा इकट्ठी की है आप लोग अपने अपने क्षेत्रों से ट्रेन से आए हैं। जिसके पास एक थैला था उसने अपने सिराने लगा लिया और बड़े आराम से सोता हुआ आया और जिसके पास 5-7-10 थैले थे कोई इस सीट के नीचे कोई उस सीट के नीचे कोई उस सीट के नीचे रखा और रात भर निगरानी करता रहा कि कहीं मेरा सामान कहीं दूसरी जगह ना चला जाए। ऐसे ही जितना हमने अपने मन में दुनियादारी की चीजों को समा रखा है उतना ही हम परेशान होंगे जब इन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्षण ही में बंधन मुक्त करे ये काम है मेरे सदगुरु का और मन और वाणी नहीं पहुंच सके वो धाम है मेरे सदगुरु का। सच बोलो सच आप अपने जीवन में सच में महसूस करो। अगर हम मन गुरु महाराज जी को दे देते हैं मन गुरु महाराज जी के अर्पित कर देते हैं तो क्या हमारे जिंदगी में कोई परेशानी है? क्या दुनिया में कोई हमें बांध सकता है? क्योंकि मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय मोह नष्ट हम सबके और सब हमारे। इसलिए गुरु महाराज जी हमारे मोह को मिटाना चाहते हैं हमारे विचारों को व्यापक करना चाहते हैं हमें जीवन में सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम बीते हुए महापुरुषों की तो महिमा गाते हैं लेकिन हाजर में हुज्जत और गैर में तलाश। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज जी के प्रति उतनी ही श्रद्धा होनी चाहिए। यस्य देवा पराभक्ति यथार देवो तथा गुरु जितनी भगवान के प्रति है बल्कि भगवान से भी ज्यादा। एक बार सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास जी से निवेदन किया प्रभु कभी मेरी कुटिया में भी पधारो कभी मेरी कुटिया में भी पधारो। तो कहा ठीक है सहजो हम उस दिन आपकी कुटिया में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने हाथ से आसन बनाऊंगी जिस आसन पर गुरु महाराज जी बनाए विराजेंगे। इसलिए उन्होंने एक सुंदर आसन बनाया जैसी उनकी अपनी कल्पना थी अपनी भावना थी और अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़ी हो गई कि आज मेरे मालिक मेरे गुरु महाराज आएंगे। अब संयोग देखिए उसी समय भगवान ने भी सोचा कि भाई सहजो का बड़ा प्रेम है हर समय सुमरण करती रहती है कि चलो हम भी आज सहजों से मिलने के लिए चलते हैं। तो एक तरफ से भगवान आ रहे हैं एक तरफ से गुरु महाराज जी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भगवान आप रुको एक ही आसन है कुटिया में। और गुरु महाराज जी आए तो गुरु महाराज जी को आसन पर बिठाया और भगवान से कहने लगे आप पंखा झेलो गुरु महाराज जी को आप पंखा झेलो
और कहती है कि हरी हरी ने तजू पर गुरु ना बिसारू और गुरु के सम हरि को ना निहारू, क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माई और गुरु